बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। आपको याद होगा मेरे पास एक चश्मे थे जो मैंने कोयटा लंडे बाजार से लिए थे, अरमानी के फेवरेट थे। अभी वो तो टूट चुके हैं, बच्चों ने तोड़ दिए थे, और अभी ये है मेरे पास ये चश्मे। ये भाई मुदस्सर ने कल मुझे गिफ्ट किए हैं और खुद रहे भाई मुदस्सर। ये गाड़ी इधर आ चुकी है, अभी मैं और अम्मी जान जो हैं वो जा रहे हैं टाउन, कुछ काम है। आपको साथ साथ बताते भी जाते हैं क्या क्या काम है। आपने सिलेंडर बीच में रख दिया, अभी भाई मुदस्सर का सिलेंडर में से गैस जो है दो रख दिए हैं भाई मुदस्सर, एक ही दोनों भरवा के लेके आने हैं भाई मुदस्सर ने। घर तक साथ जाएंगे तो दो सिलेंडर पीछे रख लिए हैं, ये चेंज करवानी है। ओए अम्मी जी मैं भूल गया, मैं आया एक चीज़ भूल गया हूँ मैं, अच्छा हुआ टाइम भी याद आ गया, नहीं तो अम्मी जान से क्लास पक्की थी। अम्मी जान स्पेशली उस काम के लिए जा रही है मेरे साथ। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये चश्मे ठीक लगे हैं मुझे कि नहीं। मैं इतना आदि नहीं हूँ चश्मे पहनने का, कभी कभार जो है ना अगर मिल जाए सामने मिल जाए तो पहन लेता हूँ, नहीं तो ना वाली बात है, बिल्कुल भी नहीं मैं पहनता। ओके अल्लाह हाफिज। नहीं यहीं पे हूँ मैं। अच्छा मैं वेट करूँ? कुछ पसंद नहीं तो मैं क्या वो वापस करके दूसरा ले आऊं। पटी लेनी है कि लेना है? अम्मी जान बात कर रही हैं चारपाई बनाने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल होती है ना उसकी। तो मां जी एंड का कैसी लगी? सोनी लगी, सही सोनी। खूबसूरत मुंडा खूबसूरत है या एंड का? पहले भाई मुदस्सर जो है वो तो नहीं जाने लगे थे हमारे साथ, लेकिन अम्मी जान कहती हैं कि तुम भी लगे हाथ चले जाओ कुछ खरीदने, तो अम्मी जान कहती हैं कि तुम दोनों भाई होंगे ना तो फिर अच्छे से खरीद लोगे तुम लोग खुद ही, चले जी। ये जी दो सिलेंडर हमारे चेंज करने ने वापसी दिला लेने, क्योंकि अभी ये पीछे डिग्गी में रख लिए ना तो भरे हुए होंगे सिलेंडर, वजन होगा उनका, फिर वो सारे रास्ते टक 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 करते जाएंगे जो कि अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए वापसी पे यहाँ से रखेंगे सिलेंडर और ले जाएंगे तो अभी आगे को निकलते। मौसम जो है आज ददरा मदरा सही है, मतलब कि कभी धूप निकल आती है तो कभी बादल छा जाते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ साथ वाले टाउन, अपने टाउन में आपको पहले भी मैंने बताया कि एटीएम नहीं है, मुझे टीवी लेना अपने लिविंग रूम के लिए, तो अभी पैसे लेते हैं वहाँ से और फिर अपने टाउन आके लेते हैं टीवी और थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है वो भी लेते हैं। क्या प्यारा मौसम हो गया, जब ये बारिश वाला मौसम होता है ना तो मज़ा आ जाता है। और आज मैं आपको दिखाता हूँ हमारे एरिए का जो मतलब सबसे पहला पेट्रोल पम्प था ना वो PSO का, वो भी इसी मतलब टाउन में है। अभी तो बे इंतहा पेट्रोल पम्प हो गए हुए हैं हमारी साइड पे, हर एक दो विला छोड़ने के बाद पेट्रोल पम्प आता है, लेकिन पहले एक ही पेट्रोल पम्प हुआ करता था। ये जी यहाँ से शुरू हो जाता है टाउन, सब स्पीड मोड इसका नाम है, यहाँ से जी ये शुरू हो गया, छोटा सा ये ज़्यादा बड़ा है नहीं, यहाँ से शुरू हुआ है और थोड़ा सा आगे जाके ख़त्म भी हो जाएगा। यहाँ पे बसेस वगैरह ट्योटे वगैरह जो गाड़ियाँ ना जैसे ये खड़ा है वैसे आके गाड़ियाँ खड़ी होती हैं इधर 5-10 मिनट के लिए, हमारे टाउन से चलती हैं यहाँ पे आके खड़ी होती हैं, मतलब ये स्टॉप होता है उनका, फिर यहाँ से जिन सवारियों ने बैठना होता है वो आके बैठती हैं, फिर सियालकोट की तरफ जो है ना गाड़ियाँ चली जाती हैं। ये एरिया यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह जो हैं वो रिपेयर किए जाते हैं इस तरफ करके ये, और ये आगे करके टाउन ख़त्म हो गया, और वो सामने पेट्रोल पंप है जिसकी मैं बात कर रहा था ना, ये बिल्कुल सामने PSO का। यहाँ पे अक्सर मैं अपनी गाड़ी आके खड़ी करता हूँ लेकिन यहाँ ऑलरेडी गाड़ियाँ खड़ी हैं तो मुझे थोड़ी आगे करके खड़ी करनी पड़ेगी गाड़ी, यहाँ पे कर देता हूँ जी मैं गाड़ी अपनी खड़ी ये रोड से साइड पे, और ये सामने PSO का पेट्रोल पम्प है, ये रहा। आया मां जी मैं पैसे ले आया, अच्छा लगता है वैसे ना धूप में लगाए हों तो मतलब मौसम जो है वो प्यारा प्यारा लगता है, मुझे बड़ा अजीब लगता है ये चश्मे पहन के ब्लॉगिंग करना। कौन है मां जी थोड़ा? शहजादा। थोड़ा शहजादा तो अभी जी LCD लेने के लिए हम आ चुके हैं दुकान पे, हमारे टाउन में सिर्फ एक यही दुकान है जिसपे ये LCD है एंड्रॉयड वाली, और किसी दुकान पे ना नहीं है, वो बिल्कुल सामने है, वो कैसर इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख रहे हैं उनके पास भी हम गए हैं, उनके पास भी नहीं है। उसके अलावा एक पीछे दुकान है वहाँ से हमने 2 TV लिए थे पहले, अभी उनके पास भी कोई नहीं है, सिर्फ यही LCD हमें जो है ना वो मिली है, और ये नई कंपनी है मैंने तो पहली दफ़ा ही देखी है, ओक्सी।
और हमारे पूरे टाउन में सिर्फ यही LCD है। ओके भाई, वजह शॉर्टेज है, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा। सही सही सही, टैक्सेस लग गए ने, महंगीयां हो गईयां ने, ते फिर सारे दुकानदार ब्रेकां लाईयां ने। मींस के जेडे उधर टैग प्राइस लगी दी ना, टैग प्राइस को भी 2000 ऑफ दी जेडा ना पिछू में दी है। वो बड़े से आप यार, सही सही, कस्टमर नु डील करना होता है। 45 में डन हो गई है। हाँ जी माँ जी, फाइनल है, खूबसूरत है, सही है, सोना सही हो गया माशाल्लाह। मेरा शहजादा ही सोना, टीवी तो सोने ही लगा सदके। यहाँ पे उतने अच्छे कलर्स नहीं आ रहे हैं, रीजन के यहाँ से ना इस तरफ से जो है लाइट आ रही है, तो उस वजह से फिर यहाँ से पे सही कलर्स जो है ना निकल के नहीं आ रहे। जब घर लगाएंगे ना अपने लिविंग रूम में, वहाँ थोड़ा अंधेरा अंधेरा होता है, कमाल के कलर्स निकल के आएंगे। बाकी इस कंपनी पे ट्रस्ट कर रहे हैं पहली दफ़े, नहीं तो ऐसे अगर किसी चीज़ पे हमें खर्चा करना होता है तो हमारी कोशिश होती है किसी ब्रांड वगैरह की ही चीज़ ली जाए, चाहे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएँ, क्योंकि उन पर ना एक एतमाद होता है। बाकी ये अभी अच्छा ब्रांड है कि नहीं, ये तो लेके जाते हैं तो फिर ही पता चलेगा। पंजाबी में एक कहावत है कि रापया जाने या वापया जाने। भाई को दे दिए हमने पैसे, अभी TV हुआ हमारा, वारंटी कार्ड पहचान ये पकड़ लें आप, बस हाँ आप पे रखवा दे। पीछे जो है वापसी पे सिलेंडर भी रखने हैं, तो पीछे तो नहीं रख सकते, और गाड़ी जो है ठक ठक ठक, हमारे रोड्स भी कुछ ऐसे ही हैं, तो ये ना हो कि हमने LCD जो है वो तोड़ी हो। गाड़ी लेके आप नेशनल बैंक के सामने आ जाएं, ठीक है, मैं अम्मी जान को लेके जाता हूँ, सुनियारे की दुकान पे जाना है, सही हो गया। घर जो मैं चीज बोल रहा था ना, वो ये एयर रिंग्स थी, बालियां थी, ये बाली थी और टूटी हुई हैं। हुण तुसीं केड़ी लैनी है, तुहाडा तुहाडे दे ए वाली थल्लू लैणा है, ए वाला लैणा है, तारा लेना है। अम्मी जान जो है थोड़ी कंफ्यूज हो गई है कि कौन सी ली जाए। ऐसा ही है अम्मी जान ने जी भाभी के लिए ये फाइनल कर दी है, ये वाली। की रेट चल रहा है आजकल सोने का? 1,88,000 रुपया। 2.9 पॉइंट। एक माशा किने का? 93,600 रुपये का। पहला 23,600 रुपये। फाइनल हो चुकी है भाभी के लिए, तो अभी अम्मी जान जो टूटी हुई बाली है ना वो देंगी, ये अम्मी जान जो है बेच देंगी, और फिर हिसाब किताब करके ये हम ले लेंगे। भाभी को ना साइज में छोटी बालियां चाहिए थी, वो साइज में काफी बड़ी हैं और दूसरा टूट भी गई हुई है। ये जो हमने ली है ना, ये बनी थी 2.9 पॉइंट की, और जो हमने बेची है ना वो बनी है, ये जो पड़ी हुई है ये बनी है 5.7 पॉइंट की, तो ये 23,000 कुछ रुपए की है, और ये जो है ये बनी है 36,500। हाँ, ये 36,500 रुपये की ये हुई है। और बाकी अम्मी जान जो हैं और देख रही हैं कि भाभी जान के लिए और क्या लिया जाए। अम्मी जान मुझसे पूछ रही हैं कि ये वाली ली जाए या ये वाली, ज्यादा डिफरेंट तो लग नहीं रही हैं, सेम ही लग रही हैं। ये वाली ठीक है माँ जी, वे लोग माँ पुत्र की पसंद सेम है, यानी मेरी और अम्मी जान की पसंद जो है सेम ही है। अगर अम्मी जान की इस उंगली को आ गई है ना, तो मतलब भाभी की ये वाली उंगली को ये वाली रिंग जो है ना आ जाएगी। वो एयर रिंग्स देखे, ये वाली एयर रिंग्स ली है, और साथ ही ये वाली रिंग भी आ गई है हमारे। अम्मी जान की ब्लड प्रेशर की दवाई जो है ना वो ख़त्म हो गई हुई थी, तभी मैं वो लेने आया था, तो वो ले लिया। अम्मी जान का काम था एयर रिंग्स चेंज करवाना, लेना देना, और मेरा काम था TV लेने का, दोनों हो चुके हैं, और तीसरा ये दवाई वाला काम था, एक चौथा भी था मेरे पर्दे लेने थे, लेकिन वो बहुत भाई जान महंगे बता रहे हैं, तो हम फिर किसी दिन इंशाल्लाह आएंगे पर्दे लेने के लिए। धूप जो है ना बहुत तेज़ हो चुकी है, थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, अगर आप ये नीचे देखो ना तो ये देख रहे हैं आप, थोड़ी देर पहले हल्की हल्की जो है ना वो बारिश हुई है, लेकिन अभी तेज़ धूप। गाड़ी में है नहीं घर वाले, कहाँ गए हैं? गाड़ी तो धूप में भाई मदरसा ने खड़ी की हुई है, अंदर तो अच्छी खासी हबस होगी होगी। उन्होंने इधर बाजार से निकलना था, मैं इधर मेडिकल स्टोर है पीछे, वहां से आया हूँ इधर को। वो रहे सामने, ये की कर दे पे ओ, क्या हुआ अभी, क्या लेना है? कुछ चीजें देख लें। किस किस लेटर क्या लेने के लिए? वो कोई रुई वगैरह का पता करना। किसके लिए? अम्मी जान ने वैसे करना है। हाँ। ओके ओके, मैं ले आता हूँ अभी गाड़ी को जो है ना, यहाँ पे लेके चलते हैं भाई जहाँ कह रहे हैं। यहाँ से रुई लेनी है, और मुझे था कि हो सकता है अम्मी जान जो है ना रस्सियाँ चेंज करवाएं, लेकिन अम्मी जान कह रही हैं कि वही ठीक हैं, क्योंकि वो महंगी है ना, उनकी क्वालिटी जो है ज़्यादा अच्छी है। तो भाई मुदस्सर जो है पीछे गए हैं रुई का पता करने के लिए। ये जी रस्सी ली हुई है चारपाई बनाने के लिए, ये आप देख रहे हैं, ये अच्छी क्वालिटी की है, देखने में ही नज़र आ रही है। तो अम्मी जान कहती थी कि ये पहले चेंज करवानी है, लेकिन जब अम्मी जान ने और देखी है तो अम्मी जान अब कह रही हैं कि नहीं, जो ली हुई है वही चलेगी। कर दो माँ जी बांध, चलिए फिर। हूँ जैन ओ दवाई मेरी लग रही है। हाँ जी,
साथ वाले गांव पहुंच चुके हैं और जो सिलेंडर जाते हुए दिए थे ना वो ले लिए हैं, मतलब वो नहीं लिए हैं, खाली दिए थे और भरे हुए हमने ले लिए हैं। ओके हो गया, ये जी बांध दिए हैं भाई मुदस्सर ने ईंटों के साथ। अभी टक टक की आवाज़ नहीं आएगी। लास्ट टाइम मैं ना भरवा के मतलब चेंज करवा के लेके गया था सिलेंडर, तो जैसे ही कोई स्पीड ब्रेकर आता था या रोड थोड़ा सा ख़राब आता था ना तो टक टक सिलेंडर जो है आपस में टकराते थे, तो अजीब सी आवाज़ आती थी, तो डर लगता था कहीं दुम धड़का दुम ना हो जाए, फट ना जाए पीछे कहीं। टीवी जो है इस साइड पे लगेगा, तो अभी भाई मुदस्सर ने पेमाइश वगैरह लेके इधर निशान लगा दिए हैं। एक ये रहा निशान, एक ये रहा और एक ये रहा। यहाँ पे ड्रिल के साथ सुराख करेंगे और उसके बाद ये जो फ्रेम है ना ये यहाँ पे लगाएंगे और इसके ऊपर आ जाएगा टीवी। ये जी चार सुराख हो चुके हैं, अभी ये आएगा इधर। इधर उधर आप बाहर से देख लें और पीछे से देख लें, इतनी स्पेस है तो कर लें, पहले पीछे हट के देख लें ना। आप देखें दरमियान में है? नहीं। अभी पीछे फिर हटें, अब सही है। मुझे इधर से नीचे ऊंचा नीचा। वाह चाचा जैन के लिए पराठा आया है। किस चीज़ का पराठा, किससे बनाया ये? इसमें क्या डाला था? आलू, आलू पालक का पराठा आ गया। और ये दाल है, आलू पालक का रोटी है और पराठा है जैन के लिए। उधर लगाएं, इधर 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 जैन भाई। ये ना वायरिंग आर्ट हो गया। अच्छा अच्छा सही है। रिमोट रिमोट मुझे लग रहा था कि 45,000 कहीं मैं से किसी लोकल ब्रांड पे तो नहीं खर्च कर दिए, बाद में पता चले कि पैसे आपके जा रहे हैं। कलर्स अभी अभी निखर के आए हैं, वहाँ दुकान पे नहीं निखर के आ रहे थे क्योंकि उन्होंने रोशनी में जो हमने लगाई हुई थी, अभी थोड़े थोड़े अंधेरे में है अभी। हालांकि कितने 6 बल्ब ऑन है इधर, लेकिन फिर भी कलर माशाल्लाह प्यारे आ रहे हैं। भाभी ने मेरे लिए पराठा बनाया आलू गोभी का और साथ चाय। आय हाय आय हाय। बाकी बच्चे जो हैं भाई बच्चे हैं, आलू पालक का आलू गोभी का है मैंने, आलू पालक आलू गोभी आई थिंक जो भी कहा मैंने, लेकिन आलू पालक का पराठा साथ चाय। और बच्चे जो हैं भाई के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। हमारा नेट जो है वो बहुत स्पीड में चल रहा है तो इसलिए आपको नज़र आ ही रहा है। मैंने वीडियो अपनी प्ले की थी वो प्ले ही नहीं हो रही है नेटवर्क की वजह से, तो खैर खाना खाते हैं और फिर कोशिश करते हैं, हो सकता है हो ही जाए। नेट जो है वो सही से चल नहीं रहा, उस वजह से वीडियोज़ सही से प्ले नहीं हो रही हैं। होती हैं लेकिन वो होती है 240p में वीडियो प्ले हो रही है, तो इतनी बड़ी LCD में तो वो बिल्कुल ही पिक्सल फट जाते हैं, तो मज़ा नहीं आ रहा देखने में। एटलीस्ट 1080p में वीडियो चले ना तो मज़ा आता है देखने का, लेकिन वो नेटवर्क ना ठीक होने की वजह से मज़ा ही नहीं आ रहा देखने का। खैर टीवी हमने लगा दिया, प्यारा लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी है टीवी लेके, लोकल ब्रांड है, ये ना हो के थोड़े टाइम बाद ये ख़राब हो जाए, लेकिन अभी लग गया ना तो अभी मुझे ठीक लग रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी इधर ना नीचे इसके टेबल भी होता है ना जिसमें रिमोट वगैरह और बना भी होता है दराज सा जिसमें आप चीज़ें वगैरह भी अपनी रख सकते हो, वो टेबल होता है यहाँ पे, आपको बेहतर बताऊँगा, तो वो भी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह यहाँ पे ना रखेंगे, यहाँ पे भी टेबल होगा। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो पूरी करते जाएंगे, एकदम से चीज़ें पूरी करने लगेंगे ना तो नहीं होंगी, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम चीज़ें पूरी कर देंगे। हमारे घर टीवी नहीं हुआ करता था, यही कोई 1-2 साल हो गए हैं। अबू जान के लिए टीवी लिया था, फिर उसके बाद एंड्रॉयड टीवी लिया, फिर उसके बाद एक और एंड्रॉयड टीवी लिया, मतलब ये 2-3 साल हो गए हैं टीवीज़ हमें लेते हुए, क्योंकि 3-4 TV हमने लिए हैं। उससे पहले हमारे घर टीवी नहीं था, तो मुझे अच्छी तरह याद है मुझे क्रिकेट मैच देखने का ना बहुत 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 शौक़ होता था बचपन में, अभी भी है लेकिन अभी उतना शौक़ नहीं है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2011-12-13 में जाके ना हमारे गांव केबल आई थी, तो जब भी पाकिस्तान का मैच होता था ना तो मैं साथ वाले घर जाके मैच देखा करता था। 10 बजे मैच ख़त्म हो रहा, रात की 11 बजे मैच ख़त्म हो रहा, तो आज क्या वक्त आ गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद जाके टीवी ख़रीद के ले के आया हूँ, और तब अपना टीवी नहीं हुआ करता था। वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता, बस मेहनत करते रहें जिस काम में भी आप लगे हुए हैं। तो खैर
आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।